जी शुक्रिया, बिल्कुल मुल्क भर की तरह दुनिया भर की तरह क्वेटा शहर में भी न्यू ईयर जो है बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, मगर क्वेटा के नौजवानों में कुछ मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा के इलाके सरियाब रोड पर, जो इंतहाई पसमानदा इलाका कहा जाता है, और इस इलाके के हवाले से मुख्तलिफ तासुरात पेश किए जाते हैं। इस इलाके को हवाले से जो है यही कहा जाता है कि ये इंतहाई पसमानदा इलाका और यहाँ पर नाख्वानदगी इंतहाई ज़्यादा है, जबकि आज इस इलाके के नौजवानों ने इस जो है ये बात जो की जाती तो इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया। यहाँ पर न्यू ईयर के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और किताबें जो मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से और दीगर शायर और अदीब के जो किताबें हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जिनको जो है नौजवान नस्ल यहाँ पर बड़े शौक़ से और यहाँ पर ख़रीदने आए हैं। उनका यही कहना था कि जो नस्लें जो है अपनी किताब से जो नाचना हो जाती है, किताब बिनी को जो है वो छोड़ देता है, तो वो कौम हमेशा के लिए जो है अंधेरे के रास्तों पर चला जाता है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से पूछते हैं उनसे कि उनका ये क्या कहना है। जी आप ये बता दें कि न्यू ईयर के आगाज़ के साथ ही यहाँ पर किताब मेला का जो कि इनका किया गया, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि सरियाब एक पसमानदा इलाका है, और एक वक्त से यहाँ पर जो है हुकूमत वक्त की ख़ास तवज्जो नहीं रही है, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, या दीगर शोबाए ज़िंदगी के हवाले से हो, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने एक अज़म किया, एक अहद किया कि हमने दुनिया को अपने अंदर एक तब्दीली ला कर दिखानी है, और किताब दोस्ती ज़िंदगी है, किताब से ही हम अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं, और किताब से ही हम अपने मुआशरे के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। जहां आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर म्यूज़िक कंसर्ट्स का इनेकाद किया गया है, जहां आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर कल्चर एग्जीबिशंस किए गए हैं, वहां पर सरियाब के इन नौजवानों ने यहां पर किताब दोस्ती का दर्स देकर मिसाल कायम कर कर एक किताब मेला मेन सरियाब के वस्त मुनीर अहमद रोड पर कायम किया है, ताकि दुनिया को ये बता सके कि यहाँ पर भले कुछ लोग कुछ तबकात होंगे जो कि गाली गलोच और जाहिलियत के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर किताब दोस्त, इल्म दोस्त और इल्म से मोहब्बत करने वाले नौजवान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखें आज तो आपके सामने है कि हम जो है न्यू ईयर्स का जो स्टार्ट हमने लिया है सरियाब के लोगों ने, सरियाब के लोकल्स ने बुक्स के साथ लिया है, किताबों के साथ हम न्यू ईयर स्टार्ट किया है हमने, और एक मैसेज भी जाता है बाकी पूरे मुल्क को, मतलब जिस तरह सरियाब को दिखाया जाता है अमूमन कि सरियाब जो है बैकवर्ड जगह है, या सरियाब में ये होता है वो होता है, तो आज आप सबके सामने है कि सरियाब में आज हमने दिन का साल का जो आगाज़ किया है वो हमने किताबों के साथ किया है, और आई एम प्रिटी मच श्योर कि इस तरह पूरे मुल्क में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने आज जो है किताबों के स्टॉल्स लगाए हों। आज हमारी लोगों ने जो है यहाँ पे एक स्टॉल लगाया है और लोगों को जो है किताबों के करीब लाने की कोशिश की है। देखें दुनिया के मुख्तलिफ कौमें न्यू ईयर का अपने अंदाज से इफ्तिताह करते हैं पटाखों से, आतिशबाजी से, लेकिन हम वो कौम है जो किताबों से मोहब्बत करते हैं और न्यू ईयर का इफ्तिताह किताबों से ही करते हैं। तो न्यू ईयर पे मकसद इस किताबों से इसका इफ्तिताह करने मकसद ये था कि जो किताबों की जो अहमियत है जो कम होती जा रही माशरे में उसको दोबारा बहाल किया जाए, स्पेशली इस दिन पे जब नए साल का आगाज़ लोग करते हैं, नए नए अहद करते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं, तो हमने सोचा कि किताब भी उनके प्लान्स का एक हिस्सा हो। इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि दुनिया को ये पैगाम दे कि सरियाब का इलाका जिसको जो है यहाँ पर इंतहाई बैकवर्ड कहा जाता है, यहाँ के लोग जो है पसमानदा है, ये ख्यालात बिल्कुल आज उन लोगों ने रद्द कर दिए, और यहाँ पर जो शानदार किताब मेले का इनेकाद किया गया ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि सरियाब के नौजवान नस्ल जो है तालीम की जानिब रागबे गैब है, और दीगर जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उनसे हट कर निकल कर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इल्म के शऊर को दुनिया भर में आम कर रहे। जी।